भारत के स्वतंत्रता दिवस लेफ्टिनेंट कर्नल यानी धीरेन्द्र 15 सिंह अगस्त रिक्वेस्टिंग द प्राइम मिनिस्टर के टू ऊपर गार्ड ऑफ ऑनर यह फिल्म आपको यहाँ दिखा रहे हैं। और मुरैना यानी भारत का केंद्र बिंदु में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया गया और यहाँ के लोगों में कितनी देशभक्ति है, इस फिल्म का यह प्रमुख विषय है। तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तो पूरे देश में मनाया जाता है। इस फिल्म में हम लाल किले से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए भाषण और उस कार्यक्रम के कुछ अंश भी बीच बीच में दिखाएंगे, जो हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम राष्ट्रीय समारोह है और लाल किले से प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण करके और वहाँ से जो सम्मानित भाषण दिया जाता है और वहाँ जो कार्यक्रम होता है उसके भी कुछ अंश इस फिल्म में बीच बीच में आएंगे। लेकिन जहाँ तक मुरैना के 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का जिक्र है तो ये जान लेना बहुत बेहतर है, भारत भूमि ये भूमि पवित्रता, पावनता, संस्कृति और बलिदान की भूमि है, त्याग की भूमि है, शौर्य और पराक्रम की भूमि है। भारत के चप्पे चप्पे पर बलिदान का और संस्कृति का, त्याग का, समर्पण का, शौर्य का, पराक्रम का इतिहास लिखा हुआ है। युग युगांतर बीत गए, सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर और द्वापर से कलयुग तक यहाँ की वीर भूमि, भारत की वीर भूमि अपने लहू से अपना इतिहास स्वयं रचती आई है। भारत में कायरों के लिए कोई स्थान नहीं है, यहाँ सिंह सपूत जन्म लेते हैं। तो प्रमुख बात यह है कि हम इस केंद्र बिंदु, भारत का केंद्र बिंदु मुरैना, चाहे आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक सीधी रेखा खींच दें और चाहे पश्चिम से पूरब तक यानी राजस्थान से बंगाल तक सीधी रेखा खींच दें, तो ये जो केंद्र बिंदु निकलेगा भारत का मुरैना निकलेगा। दसों दिशाओं से, मैं केवल चारों दिशाओं की बात नहीं कर रहा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, मैं दसों दिशाओं की बात कर रहा हूं। दसों दिशाओं से जब आप एक केंद्र बिंदु निकालेंगे तो वह केंद्र बिंदु ये मुरैना और यहाँ लाल ये चंबल सलामी गारत ही निकलेगा। और विशेष बात यह कि पांडवों को भारत कहा, अर्जुन को भारत कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जैसा कि कई श्लोकों में बोला गया है, महाभारत के कई श्लोकों में बोला, 18 पुराण में इस वंश को भारत कहा गया, भारत इस वंश का नाम है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी जैसा कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत जब जब धर्म की हानि होती है। तो भारत के के पुकारा और पांडवों के वंशज, अर्जुन के वंशज महाराजा नंगापाल सिंह तोमर एक हिस्से में इतिहास दिल्ली छोड़कर के यहाँ चंबल में इसी केंद्र बिंदु पर मुरैना में आए और ऐसा गढ़ी में अपनी राजधानी स्थापित की। ये वही तोमरों का क्षेत्र है, ये वही भारत का क्षेत्र है, भारत रहता है यहाँ, जिसे भगवान ने भी भारत के पुकारा है।
सभी पुराणों में, सभी ग्रंथों में, सभी शास्त्रों में जिसको भारत कहा गया है, भारत कह के पुकारा है, वो भारत यहाँ रहता है, यहाँ बसता है। इसलिए इस केंद्र बिंदु पर जो भी यहाँ रहता है, जो भी चंबल वासी है और मुरैना का वासी है, वही भारत है। और उसमें देशभक्ति का जज्बा इसीलिए सबसे ज्यादा रहता है क्योंकि भारत असल भारत वह स्वयं है। तो भारत का भारत के प्रति और भारत भूमि के प्रति देशभक्ति, निष्ठा, स्वाभिमान, पराक्रम, शौर्य, बलिदान, त्याग होना स्वाभाविक है। और वही यहाँ देखने को मिलता है, चाहे आप कहीं भी जाएं, यहाँ हर मुद्दे पर या किसी भी विषय पर विचारधाराएं भिन्न हो सकती हैं, आपस में लड़ लेते हैं। यहाँ का तो इतिहास है कि जितना भी बागी पैदा हुआ है आपस में लड़के हुआ है। तो यहाँ तो ये वरदान है, पहले से ही चला आ रहा है कुरुक्षेत्र की मैदान से कि यहाँ भाई भाई आपस में लड़ते, अपने ही अपने से लड़ते हैं, ये एक अलग बात है। और उसके अलावा जितनी भी समस्याएं, भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है और गुंडागर्दी है, ये सब चीजें यहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं करते। यहाँ के लोग बहुत भले, भोले, सीधे, सच्चे इंसान हैं और दूसरों पर जान लुटाने वाले, अपने लिए नहीं लड़ते, अपनी लड़ाई कभी नहीं लड़ते, हमेशा दूसरों के लिए लड़ते हैं। ये इस जगह की खास विशेषता है। अपनी बात पर अटल रहना, वचन का पक्का होना, अगर आपको देखना है तो आप यहाँ भारत के केंद्र बिंदु मुरैना में आइए, यहाँ पर मिलिए मुरैना के वासियों से, भारत से, यानी तोमरों से। तोमरों को ही भारत कहा जाता है, ये वचन के पक्के। और इसके अलावा यहाँ पर देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर यहाँ की कण कण और रज रज में भरा हुआ है। यहाँ अधिकांश बागी भी हुए हैं तो सब या तो राजपूत हुए हैं या जो है भारत हुए हैं। लेकिन मुख्य जो बात है, आपस में लड़ लें या कुछ भी समस्याएं हो, समस्याओं से लड़ते रहना, संघर्ष और संग्राम तो यहाँ बचपन से ही जीवन में गुजरता है। गांवों में अभी ऐसे बहुत से गांव हैं जहाँ आज स्वतंत्रता का जो है इतना वर्ष बीत गया और आज तलक वहाँ पर बिजली नहीं पहुँची है, खंभे नहीं गड़े हैं। ऐसी शिकायतें मुझे आती हैं, मैं दर्ज कराता हूँ, मैंने बहुत दर्ज कराई हैं। बिजली नहीं है, अभी भी जब बारिश में नाले और जो जिसे नरे और नरिया कहा जाता, बहने लगते हैं छोटे मोटे बरसाती नाले या नदियों में जरा सा पानी बढ़ जाता है तो फिर आवागमन बंद हो जाता है। पुलियां नहीं है, सड़क नहीं है, रपटे नहीं बने हैं। सांसद यहाँ से कई बन बन के चले गए, टूरिस्ट सांसद आते हैं यहाँ हमेशा। यहाँ लोकल में कोई नेता नहीं मिलता किसी राजनीतिक दल को, स्थानीय मुरैना में, वो उन क्षत्रिय राजपूतों में जो दिल्ली के सम्राट रहे, महाभारत के सम्राट रहे, उनमें से कोई इनको नेता नहीं मिलता। इनको चमचे चाहिए होते हैं, टूरिस्टों को लाते हैं। कोई ग्वालियर से आ रहा है चुनाव लड़ने, कोई भिंड से आ रहा है चुनाव लड़ने, मुरैना से तो कोई मिलेगा ही नहीं। इन अब अंधों को आईने दिखाने से क्या फायदा, या सूरज को दीपक दिखाने से क्या फायदा। तो राजनीति में जो जाता है या जो है, इस परिभाषा से अगर गिनेंगे
तो आप समझ सकते हैं कि उसको क्या संज्ञा दी जाएगी। मुरैना पिछड़ा नहीं है, मुरैना के लोग पिछड़े नहीं हैं। मुरैना में वीरता, शौर्य, पराक्रम और वाणी की अटलता, वचन का पक्का होना, रिश्वतखोर का और भ्रष्टाचारियों का विरोध करना, उनको सरेआम उन्हीं के मुंह पर ही थूक देना, गाली दे देना, उन्हीं के सामने ही कागज़ फाड़ कर फेंक देना, ऐसे कागज जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, भ्रष्ट अधिकारी के मुंह पर ही फाड़ कर फेंक दिए जाते हैं। अधिकारियों में थप्पड़ मार देते हैं यहाँ के लोग, ऐसी कई घटनाएं यहाँ घटी हैं। यहाँ भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाता, रिश्वतखोरी बर्दाश्त नहीं की जाती, गलत काम बर्दाश्त नहीं किया जाता, पर हर बार दुर्भाग्य रहता है, मेयर बनाया तो वो भ्रष्ट बनाया जो सबसे बड़ा भ्रष्ट था यहां सा। अब पार्टी टिकट दे रही है, विकल्प कोई है ही नहीं, उस भ्रष्ट को ही चुनो। भ्रष्ट ने सारा शहर खुदवा के फिकवा दिया, पता नहीं किस खजाने की खोज कर रहा था, बंजारों का गड़ा हुआ खजाना खुदवा रहा था या फिर अलाउद्दीन का कोई खजाना खोज रहा था, अलीबाबा 40 चोर वाला, पूरा शहर खोद के फेंक दिया सीवर लाइन के नाम पर। इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार कि उसकी गंदगी हम आपको फिल्म इन्वेस्टिगेशन में दिखाएंगे, या स्वतंत्रता दिवस पर हम इस फिल्म में ये जिक्र भी नहीं करना चाहते। इतने गंदे और घृणित लोगों का, जिनको नंगा करके चौराहे पे जूतों से पीटना चाहिए, वो लोग यहाँ पर बैठा दिए जाते हैं ला करके इन राजनीतिक दलों द्वारा, उन गुंडों को, भ्रष्टों को पद दे दिए जाते हैं, जो सर्वनाश लिखना जानते हैं सिर्फ, जिन्हें विकास की परिभाषा तक का ज्ञान नहीं कि विकास का हित किसको है, विकास होता क्या है। यहां गधों के पीठ पर घोड़े की जीन लादी जाती है और लादी गई है, ऐसे कई मिसालें हैं। तो आज ये फिल्म हम दिखा रहे हैं आपको, तो जहां जहां हमने कई स्कूल और मदरसों में, मैं नरेंद्र सिंह तोमर, पांडव अर्जुन का वंशज और महाभारत के अंतिम चक्रवर्ती सम्राट दिल्लीपत महाराजा नंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी आजादी हमको कितने संघर्ष के साथ अपने स्वर में इसका इस उच्चारण को और इस फिल्म के क्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो आप इसे देखिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पढ़ाई के साथ साथ आपको अपने इतिहास के बारे में भी पूरी जानकारी रखना चाहिए। आगे आने वाला समय बहुत संघर्ष में होने वाला है। जिस तरह से देश को आज़ादी मिली है, उस तरह से कोई भी व्यक्ति इस देश में किसी भी तरह का कोई भी षड्यंत्र रखता है, रचता है, तो उसकी देश की सीमाओं पर रहने वाले लोग हर तरह से रक्षा करने में सक्षम है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसके उपरांत में हमारे सीओ हवाले टाइम्स नरेंद्र सिंह तोमर से मैं गुजारिश करूँ। गवाए दियो तेरा वाली मैया, मैया ते मैया ना कह रहे सास्ते कह रहे मैया, अरे भैया ते भैया ना कह रहे साडू ते कह रहे भैया, सब तन ऐसन में गवाए दियो सेरा वाली मैया। बहन वांजी घर पे आमे खर्च करे ना रुपया, अरे जो कम सारी घर पे आ जा सब दिन चले करैया, सब तन ऐसन में गवाए दियो सेरा वाली मैया। पेरी छतरी ऐसे देखिए डाली मूछ रखिया, अरे उनके बेटा ऐसे गए साफ सट कर वैया, सब तन फैशन में गवाए दियो तेरा वाली मैया। पहली बहु बेटी ऐसी देखी कथान की सुन वैया, अरे अब की बहु बेटी ऐसी देखी टीवी की दिख वैया, सब तन फैशन में। इस फिल्म के जरिए तेरा वाली मैया भारतवासियों को
और भारत के केंद्र बिंदु मुरैना वासियों को, चंबल वासियों को, संपूर्ण देश के युवाओं को हम एक पैगाम देना चाहते हैं। हम नरेंद्र सिंह तोमर, महाभारत के योद्धा, पराक्रमी योद्धा अर्जुन के वंशज और महाभारत के अंतिम चक्रवर्ती सम्राट महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर दिल्लीपत की 23वीं पीढ़ी नरेंद्र सिंह तोमर, एक पैगाम आपको देना चाहते हैं, एक संदेश आपको देना चाहते हैं इस स्वतंत्रता दिवस की फिल्म में। और आप ये ध्यान रखिए, इंडियन पेनल कोर्ट यानी आईपीसी भले ही अंग्रेजों ने बनाई, लेकिन उसमें एक जगह पर आपके फायदे की चीज है, जान माल की रक्षा के लिए किया गया कोई भी कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा। आपसे कोई रिश्वत मांगता है, भ्रष्टाचार करता है, यानी आपके माल पर खतरा है। तो आईपीसी कहती है जान माल की रक्षा के लिए प्राइवेट संपत्ति का अधिकार है ये, तो प्राइवेट अधिकार दिए हुए उसमें, तो आप जान माल की रक्षा के लिए कोई भी कृत्य करते हैं वो अपराध नहीं है, अपराध नहीं माना जाएगा। तो आपसे रिश्वत मांगता है यानी आपसे माल मांगता है, आपके माल पे खतरा है, पैसे पे खतरा है, संपत्ति पे खतरा है, रिश्वत के एवज में कोई गिफ्ट मांगता है, उपहार मांगता है या किसी अन्य रूप में किसी चीज को चाहता है, यानी संपत्ति पर खतरा है, तो जान माल की रक्षा के लिए किया गया कोई भी कृत्य अपराध नहीं है। आप कोई भी आपसे रिश्वत मांगता है, कोई भी भ्रष्टाचार करता है, खींच के जूते मारिए, पहले एक वीडियो बनाइए उसका, रिश्वत मांगते हुए या भ्रष्टाचार करते हुए, और उस वीडियो को आप हमें भेजिए, हम अपनी फिल्मों में उसको दिखाएंगे। और पहले उसकी डिमांड, आप डिमांड करते हुए आप उसका वीडियो बनाएं गोपनीय तौर पे, गोपनीय रूप से, और फिर उसमें खींच के जूते मारें, इतने मारें, इतने मारें कि कम से कम वो उसकी आने वाली पीढ़ियों में 7 पीढ़ियों तक गंजे पैदा हो, कानों में इतने थप्पड़ मारें कि वो बहरा हो जाए। और वो वीडियो भी आप पूरा हमको भेजें, हम अपनी फिल्मों में चलाएंगे। ये अधिकार प्राप्त है आईपीसी में। और उसके पश्चात पिटाई लगाएं, फिर सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 43, आप उसको अरेस्ट कर लें। अरेस्ट करने का अधिकार केवल पुलिस को ही नहीं है, अरेस्ट करने का अधिकार प्राइवेट आदमी को भी है, जब्त करने का अधिकार प्राइवेट आदमी को भी है, जिस पे भी अपराध का संदेह है, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति उसको गिरफ्तार कर सकता है। ये है धारा 43 दंड प्रक्रिया संहिता की, तो आपको उसे गिरफ्तार करने का अधिकार है, और 24 घंटे के अंदर आप उसे नजदीकी न्यायालय में पेश कर दें, उसको गिरफ्तार कर लें, और 24 घंटे में जो भी नजदीकी अदालत हो उसमें ले जाके पेश कर दें, एक आवेदन दे दें धारा 43 के अंतर्गत, इस अपराध में हमने इसको अरेस्ट किया है। यह अधिकार केवल पुलिस को नहीं है गिरफ्तारी का, आप ध्यान रखें, यह अधिकार आपको भी है। आप भले ही प्राइवेट आदमी हैं और आप पुलिस में नहीं हैं, आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं धारा 43 के तहत, और 24 घंटे में नजदीकी न्यायालय में पेश कर दें और एक आवेदन दे दें, उसमें सेक्शन 43 के तहत यानी धारा 43 के तहत इसको हमने इस अपराध में या इस अपराध का संदेह होने पर गिरफ्तार किया। आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप हमें भी भेज दें और उसका DVD बना के सील करके, पंचनामा बना करके अदालत में जमा कर दें।
तो ये एक पैगाम है हमारे भारत के नौजवानों के लिए, रिश्वत से लड़ने के लिए, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए और बेरोजगारी से लड़ने के लिए। तो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, रिश्वतखोरी, इसके खिलाफ एक जिहाद, एक धर्म युद्ध छेड़ दीजिए और कानूनी ही तरीके से इन भ्रष्टों को मारिए। इसके लिए आपको थाने जाने की जरूरत नहीं है, ईओडब्ल्यू में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। हर जगह भ्रष्ट बैठा है, भ्रष्ट को बचाने के लिए ये लोग रिश्वत लेने के लिए बैठे हैं। कोई सा भी ब्यूरो हो, एक भ्रष्ट के ऊपर दूसरा भ्रष्ट बैठा है, नीचे के भ्रष्ट को बचाता है ऊपर वाला भ्रष्ट, और सबसे बड़ा भ्रष्ट होता है मंत्री, सांसद, विधायक, ये भ्रष्ट बैठे हैं। और इनके पालतू कुत्ते होते हैं अफसर, यानी एक को बचाना है तो ऊपर वाला रिश्वत खाएगा और ऊपर वाले उसको बचा उससे ऊपर वाला रिश्वत खाएगा, भ्रष्टाचार करेगा। इस तरह यहां पर किसी भी भ्रष्ट को और रिश्वतखोर को दंड नहीं मिलता, रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, वो बरी हो जाते हैं इस अदालत से। ऐसे कई मामले, कई सबूत मेरे सामने, मेरी नज़र के सामने मौजूद हैं, मेरे पास फाइलें मौजूद हैं। लोकायुक्त द्वारा रंगे हाथ पकड़े गए और बाइज्जत अदालत से बरी हो गए। पर लोकायुक्त झूठा था या अदालत झूठी थी, आप इस चक्कर मत पड़िए। आपको जो अधिकार है जम के पिटाई लगाइए, इतनी लगा दीजिए कि उसकी सजा वहीं पे हो जाए पहले, उसके बाद 43 में अरेस्ट करके अदालत में पेश कर दीजिए। लंगड़ा बना दें, लूला बना दें, कुछ भी कर दें, जान माल की रक्षा के लिए अपराध नहीं है, ध्यान रखें। तब हमारा 15 अगस्त पूरा हो। सौभाग्य से 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों अवसरों पर यहाँ के लोगों की चाहत इतनी है, प्रेम इतना है, हमें कई स्कूल और मदरसे वाले ध्वजारोहण के लिए या इस विशेष पर्व पर जो भारत का स्वतंत्रता दिवस है, ये उनका बहुत प्रेम, विश्वास और उनका मेरे प्रति जो भी लगाव है, चाहत है, मैं उसके प्रति हार्दिक कृतज्ञ और आभारी हूँ कि वो मुझे ये सम्मान देते हैं कि उनके विद्यालयों पर, मदरसों पर तिरंगा फहराने का अवसर मिलता है, मुख्य अतिथि बनने का अवसर मिलता है। इस बार भी, इस 2017 के 15 अगस्त पर भी ऐसा ही हुआ। और यहाँ पर जो मुसलमान हैं मुरैना ज़िला में, तो पहले मैं यहाँ के वंशावली बता दूं कि ये जो मुसलमान हैं, ये मुसलमान असल राजपूत हैं, ये कन्वर्टेड हुए हैं, और इसका जिक्र वंशावली में उल्लेखित है कि कहाँ कहाँ कौन कौन कैसे है। तो असल में वो मुसलमान राजपूत हैं जिन्होंने कि केवल वो, इस संबंध में मेरी जो है हाजी साहब से भी चर्चा हुई थी, हाजी कुरैशी हैं, हाजी साहब कुरैशी साहब, तो उनसे भी बहुत देर, काफ़ी देर बात हुई थी। फिर वहाँ जो समारोह था स्वतंत्रता दिवस का, उसमें शामिल हुए हम लोग, तो वो स्वयं उन्होंने भी खुद भी बताया कि हम लोग जो है ऐसे ऐसे शुद्ध राजपूत हैं, और ऐसे ऐसे केवल हमने जो है ऐसे ऐसे उन परिस्थितियों में उस वक्त धर्म का परिवर्तन अवश्य किया है, लेकिन हम हैं तो लहू से और आज तक वही के वही। तो कई ऐसी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं, वो तो इतिहास, भारत का इतिहास हम चला रहे हैं, भारत की वंशावली चल रही है, YouTube पर आप फिल्मों में देख रहे होंगे, अभी तक उसके 5 भाग जा चुके हैं वंशावली के, और भारत फिल्म के 10 भाग जा चुके हैं और आगे और आने वाले हैं। तो ऐसी कुछ बातें होती हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस पर
सबसे पहले जो है डायमंड मिशन पब्लिक स्कूल गणेशपुरा में वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पे उसके स्कूल के संचालक जो है फैयाद खान हमारे साथ में थे, असलम खान। तो हम पहुँचे तो इंतज़ार हो रहा था, थोड़ा सा देर हो गई थी क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत आ जाते हैं या फ़ोन वगैरह आ जाते हैं तो बहुत काफ़ी वो। और फिर क्या है, फिर यहाँ से निकलो तो फिर बीच बीच में कहीं रुकना पड़ता है। तो बिस्मिल संग्रहालय पर भी एक कार्यक्रम था तो थोड़ा वहाँ भी जाना था, तो वहाँ जा कर के फिर वहाँ पहुँचे थोड़ा देर हुई। तो फिर वहाँ पर जा कर के जो तिरंगा लहराया और जो वहाँ जो भैया खान जी का जो डायमंड मिशन स्कूल है उन बच्चों का उल्लास उत्साह उमंग, और जो बहनें थी वहाँ स्टाफ की और जो भाई थे स्टाफ के उनका सबका जो उत्साह उमंग था वो देखने योग्य था। हमने एक एक बच्चे के चेहरे को बड़े गौर से देखा, सबने जो देशभक्ति का भाव उमड़ पड़ रहा था और जो झलक अपने आप दिख जाती है, हर चीज़ स्वयं नज़र आती बोलती है। तो वहाँ जो उत्साह देखने को मिला डायमंड मिशन पब्लिक स्कूल पे गणेशपुरा में, उसके बाद में वहाँ पर से हमने फिर क्रांति कला संगम है शकील कुरैशी जी का, तो वो मूक बधिर और जैसे मंदबुद्धि यानी डिसेबल्ड बोलते हैं जिसको, तो डिसेबल्ड पर बच्चों का स्कूल है उनका जो संस्था है वो डिसेबल्ड बच्चों की। तो उसमें तो जाने का सौभाग्य मिला तो वो जो डिसेबल्ड बच्चों का वो देखा। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बूढ़े होते हैं, कुछ होते हैं जो सुन नहीं सकते हैं और कुछ देख नहीं सकते, कुछ को मंदबुद्धि है। और उन लोगों के बीच में जब आपको स्वतंत्रता दिवस का भाषण देना हो या उसके बारे में पूरा विवरण बताना हो, तो अगर आपको सांकेतिक भाषा नहीं आती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। भाई मुझे तो नहीं आती तो मैंने तो वहाँ पे स्वयं कह दिया मुझे ये भाषा नहीं आती, लेकिन जब उन्होंने कहा कि आपके केवल लिप्स से, लिप्स मूवमेंट से ये बच्चे समझ लेंगे कि आप कह क्या हैं, मैंने कहा बहुत अच्छा। तो जो भाषण दिया और लिप्स मूवमेंट से ही बच्चों ने समझ लिया, मुझे भी हैरत हुई। उस संस्थान में बच्चों को बहुत सुविधाएं हैं, बहुत व्यवस्था, अच्छे अच्छे स्कूलों में नहीं हो सकती, अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूलों में नहीं हो सकती जो सुविधाएं वहाँ क्रांति कला संगम में उन डिसेबल्ड बच्चों को वो लोग देते हैं, इतने प्यार से रखते हैं। वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है और जितना स्नेह और प्रेम उनको मिलता है वो इतना सीखते भी जल्दी हैं। और कमाल की बात है कि किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी हो हर बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है, शिक्षित होता है, सामर्थ्यवान बनता है। ये सब देख के बिस्मिल संग्रहालय पे अभी यहाँ हमारे यहाँ आखिरी जो शहादत हुई है, क्योंकि शहादत चंबल का इतिहास है इसीलिए इसे देशभक्ति की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि देशभक्ति की राजधानी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ शहीदों की लाशें आती हैं बॉर्डर पे से। तो अभी तुरंत ही शहीद जगराम सिंह तोमर जो कि गांव तरसमा है उनका पोरसा में, पोरसा तहसील में है, तो उनका शव आया है। तो संयोगवश वो 14-15 अगस्त की ही बात है, तो 15 अगस्त को वहाँ पे एक कार्यक्रम रखा था यहाँ की जो महिला समाज सेविका हैं और वो एडवोकेट भी हैं आशा सिंह सिकरवार, तो उनकी संस्था पहल, पहल नाम है उस, तो उनकी ओर से एक आयोजन किया गया था। तो उस आयोजन में हम भी गए थे, तो उसकी फिल्म की भी झलक यहाँ मिलेगी।
उस समय आयोजन की तैयारी चल रही थी, यानी कार्यक्रम बाद में हुआ होगा, क्योंकि मुझे तिरंगा फहराने कई जगह जाना था तो मैं उधर को निकल गया था। लेकिन वहाँ का जो तैयारी का हमने शूट लिया था, तो उस तैयारी का शूट इस फिल्म में आप देखेंगे, बिस्मिल संग्रहालय का। इसके साथ ही बिस्मिल संग्रहालय की तो चूंकि पूरी फिल्म शूट की है हमने, और जिसका एक भाग जा भी चुका है यूट्यूब पर, और आगे के भाग आगे आएंगे। ये बिस्मिल संग्रहालय, बिस्मिल ही सबसे पहले बागी थे, बिस्मिल ही सबसे पहले बागी थे, काकोरी ट्रेन डकैती के जो नायक थे उन्हीं के नाम पे। वो यहीं के रहने वाले थे, इसी मुरैना की धरती के। उनका गांव बरबाई या अंबा तहसील में। तो उन बिस्मिल जी, राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि भगत सिंह से भी 4 साल पहले शहीद हो गए, इसे बाद में फांसी के फंदे को चूमा था, बनवाया गया। तो तीन लोग उस समय फांसी के फंदे को चूमे थे, तो उसमें राम प्रसाद बिस्मिल सबके गुरु। राम प्रसाद बिस्मिल वो शख्स थे जिन्होंने आजादी के कई तराने लिखे, जिस पर 90 बरस और जिसमें मशहूर जो तराना है पहली बार वो ये है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये सबसे प्रसिद्ध तराना रहा है उनका। उन्होंने कई कई तराने लिखे हैं, उनकी पूरी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है जो उन्होंने जेल जेल में लिखी है। तो वो पढ़ने योग्य चीज़ है, उसको हर बच्चे को जानना चाहिए, सीखना चाहिए, तब स्वतंत्रता का सही अर्थ समझ में आएगा। शहीद आजम मैं नहीं मानता कि भगत सिंह को कहा जाए शहीद आजम, मैं समझता हूँ राम प्रसाद बिस्मिल को कहना चाहिए, क्योंकि जो पूरी कहानी है एक भेड़ चाल है इस देश के अंदर में। शहीदों का आजम कौन हो सकता है, शहीदों का राजा कौन हो सकता है, किसको कह सकते हैं? फांसी के फंदे तो बहुतों ने चूमे, किसानों ने चूमे, भीलों और आदिवासियों ने भी चूमे, तो सब शहीद आजम हैं। शहीद कोई भी किसी से कमतर नहीं होता, हर शहीद एक बराबर होता है। शहीद आजम कोई नहीं होता और शहीद फकीर कोई नहीं होता, शहीद रंक कोई नहीं होता और शहीद सम्राट कोई नहीं होता। सारे शहीद का एक दर्जा होता है, एक उद्देश्य के लिए लड़ते हैं, राहें अलग अलग होती हैं। तो किसी को आजम कह दो तो अपने आप जो दूसरे शहीद हैं उनका अपमान हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा अगर आप एक को आजम कहते हैं। हमें तो ये बहुत गलत लगता है, अनुचित लगता है। चंद्रशेखर आज़ाद ग्वालियर में रहे, हथियार यहाँ मुरैना जिला से खरीदते थे, अंबा से खरीदते थे। जितने भी क्रांतिकारी थे, राम प्रसाद बिस्मिल हों, सुभाष चंद्र बोस हों, सब हथियार यहीं से खरीदते थे, चंबल से। और तो और नाथूराम गोडसे जो पिस्तौल लेकर गया था महात्मा गांधी की हत्या करने के लिए, वो पिस्तौल यहाँ से खरीद के ले गया था अंबा से, अंबा की पिस्तौल से उसने महात्मा गांधी की हत्या की थी। चाहे क्रांतिकारी रहे हों, हर क्रांतिकारी ने यहाँ से हथियार खरीदे। ग्वालियर में रहे श्री कृष्ण सरल जी ने उनका वो लिखा है, जो किताबें लिखी हैं शहीदों के ऊपर, तो उसमें ये चीज़ें वर्णन की हैं। चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ कितने समय रहे और क्या क्या उन्होंने किया, और अन्य शहीद जितने भी हैं पूरे, उनका सबके ऊपर उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। उनमें सब में यहाँ का बस ग्वालियर चंबल क्षेत्र का जिक्र आता रहा है, और चंबल से सब सब जुड़े रहे। एक एक क्रांतिकारी जिसका भी नाम आप लेंगे, बड़े से बड़ा नाम, वो क्रांतिकारी यहाँ चंबल से ही जुड़ा रहा, और जुड़ा रहा यहीं से उसको जीवन मिला, वो जीवन मिला जिससे वो अमर अमर हो गया। इसलिए ये केंद्र बिंदु मुरैना देशभक्ति की राजधानी है,
देशभक्ति की राजधानी, यहाँ शहीदों के शव बॉर्डर से आते हैं, कितने यहाँ पर चक्र मिले, परमवीर चक्र मिले, वीर चक्र मिले, या कितने मेजर ऑपरेशंस चलाए गए, माइनर ऑपरेशंस चलाए गए यहाँ की रेजिमेंट द्वारा, राजपूताना रेजिमेंट द्वारा, और कितने अलंकरण मिले, कितने पुरस्कार मिले, कितने सम्मान मिले, कितने शहीद आए, शहीदों की पूरी सूची ये हम बिस्मिल संग्रहालय वाली फिल्म में से ये सीन लेकर के, जिसमें शहीदों का पूरा सूची वहाँ पर प्रकाशित है। तो अभी जो लास्ट शहीद थे जगराम सिंह तोमर, उनका नाम तो अब लिखा जाएगा उसमें, लेकिन उससे पहले तक की वहाँ सूची पूरी है। उस फिल्म का सीन भी हम आपको इस फिल्म में दिखाने जा रहे हैं, तो आप ये फिल्म देखिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी लाल किले से दिया गया भाषण सुनिए। The unfurling of the national flag, the booming of the 21 gun salute and the national anthem, all marking and moving us towards the beginning of the address. It's always an exciting moment for the audience and of course for the young school children to be greeted by their leader, Prime Minister Narendra Modi, moving to different angles of the saluting base and acknowledging people's greeting. और अब बैंड सलामी गारद प्रस्थान करती हुई, और बैंड धुन बजा रहा है सारे जहां से अच्छा इन दोस्ता हमारा। मेरे प्यारे
देशवासियों, आजादी के पावन पर्व पर देशवासियों को कोटि कोटि शुभकामनाएं। आज पूरा देश स्वातंत्र पर्व के साथ साथ जन्माष्टमी का पर्व भी मना रहा है। मैं मेरे सामने देख रहा हूं बहुत बड़ी मात्रा में बाल कन्हैया भी यहां उपस्थित है। सुदर्शन चक्रधारी मोहन से लेकर के चरखाधारी मोहन तक हमारी सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत के हम सब धनी हैं। देश की आजादी के लिए, देश की आन बान शान के लिए, देश के गौरव के लिए जिन जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, यातनाएं झेली हैं, बलिदान दिया है, त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा की है, ऐसे सभी महानुभावों को, माता बहनों को मैं लाल किले की प्राचीर से 125 करोड़ देशवासियों की तरफ से शत शत नमन करता हूं, उनका आदर करता हूं। कभी कभार प्राकृतिक आपदाएं हम लोगों के बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। अच्छी वर्षा देश को फलने फूलने में बहुत ही योगदान देती है।